आपका स्वागत है। हम अभी बादली इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। इससे पहले हम जहांगीरपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गए थे, वजीरपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मजदूरों की एक बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है। 25 नवंबर को जो आज है, 12 ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल बुलाई थी, जिसमें अनुमान के हिसाब से लाखों मजदूर पूरे दिल्ली एनसीआर में जुड़े हैं। इनकी जो मांगे हैं वो हम सुन सकते हैं, जो नारे लग रहे हैं वो हम सुन सकते हैं। जो नारे हैं वो है दलाली के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ। आइए हम देखते हैं, ये जो हड़ताल है जिसकी झांकियां हमने पहले देखी थी, यदि वो तुर्कमान गेट पर हो या वो आईटीओ पर हो या वो पार्लियामेंट सीट पर हो, आज जो है वो एक अंतिम कदम था। आइए देखते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं और आगे का क्या प्लान है। क्या आज दिल्ली एनसीआर के अंदर हड़ताल रहेगी? जो देश में महंगाई बढ़ रही है, मजदूरों का वेतन घट रहा है, मजदूरों को अभी दिल्ली सरकार ने 16,064 रुपये घोषणा की है कि पे 1 अक्टूबर से मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। 8,000-7,000 ये वेतन मिलता है, और अभी कोरोना काल के बाद जो दिल्ली की सरकार है या केंद्र की सरकार है, उन्होंने घोषणा की थी कि भाई कोरोना का पैसा नहीं मजदूरों का कटा जाएगा, वो पैसा भी नहीं मिला, उल्टा उनका जो वेतन मिल रहा था उसमें से भी कम कर दिया। यानी कि किसी मजदूर को अगर 12,000 मिलता था तो उसको 10,000 कर दिया, 10,000 वाले को 8,000, 2,000 रुपये कटा दिए। तो ये सारी जो मार मजदूर के ऊपर पड़ी है आज कोरोना काल के बाद में, और ये इन्होंने जो पूंजीपतियों की और सरकारों की मिली भगत से जो मजदूर पिस रहा है उसके खिलाफ ये हड़ताल हो रही है। स्टील का काम करते हैं, हमारा 10,000 वेतन दे रहा है, इस समय तनख्वाह बढ़ जाएगा तो हम लोग का भी खर्चा चलता रहेगा। महंगाई तो खैर है, महंगाई सस्ता होगी कि नहीं होगा वो तो सरकार करेगी ना। हाँ, सरकार चाहते हैं कि सरकार महंगाई कम कर दे। बिल्कुल, महिला मजदूरों की अपनी मांगे, महिला मजदूरों को हम जानते हैं कि उतने ही घंटे काम करने के बाद भी कम पगार दी जाती है। हम ये मानते हैं पुरुष और महिला मजदूरों का न्यूनतम वेतन समान होना चाहिए, साथ ही महिला मजदूरों को महीने में अत्यधिक छुट्टियां देनी चाहिए, उनके जो अलग से जिस तरीके से फैक्ट्री में जो अलग से उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम, उनके लिए टॉयलेट का इंतजाम, ये सारी चीजें महिला मजदूरों के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, वजीरपुर में हम देख भी सकते हैं, वजीरपुर की गलियों से लेके वजीरपुर में रहने वाले मजदूरों की जीवन परिस्थितियां क्या है। यहाँ शौचालय के नाम पे एक सार्वजनिक शौचालय है, जहाँ पूरे वजीरपुर के मजदूर सुबह सुबह उस शौचालय में जाते हैं। साफ सफाई की हालत ये है कि लोग नाले के किनारे रहने के लिए मजबूर है। जिन झुग्गियों में रह रहे हैं वहाँ धूप नहीं आता है, सीलन भरे कमरों में लोग रहते हैं, उसी कमरे में सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं उनके बच्चे खेलते हैं, वहीं वो सारे काम एक कमरे में करने के लिए मजबूर हैं। तो इतनी नारकीय परिस्थिति में लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली की फैक्ट्रियों को चला रहे हैं, लेकिन उनके उनके लिए इतना ही बस मिल पा रहा है कि वो अपने पेट का गड्ढा भरे और फिर अगले दिन मालिक के लिए काम करने पहुंच जाए। महंगाई है, इसके हड़ताल है। 900 का सिलेंडर हो गया, दाल 110 रुपए किलो हो गया, चीनी 40 रुपए हो गया, सब्जी टमाटर 100 रुपए हो गया, प्याज 50 रुपए किलो दे रहा है, क्या खाएंगे हम लोग? हम लोग के बच्चा 5,000 में कमाता है, एक बच्चे कमाने वाले उसको घर कैसे चलेगा? 7,000 मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता, 7,500 8 घंटा के मिलता है, वो भी 12 घंटा नहीं देते भैया, 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, 8 घंटा और उतना में हम कैसे घर चलाएंगे? हम मांगे हैं कि हमें तनख्वाह वेतन बढ़ाओ, हमें सब चीज महंगाई करे हो, हमें बच्चा पालना है, क्या करेंगे हम? ये मोदी सरकार एकदम अत्याचार मचा दिया गरीबों के लिए, हम कहाँ से सिलेंडर लाएंगे 900 का? बच्चे के पेट पाले कि 900 का सिलेंडर जलाए? आज तक अभी कभी ऐसा नहीं हुआ था, इतना ना मोदी ने हद कर दिया, गरीबों का एकदम मार डाला। टीका जो लगा है कोरोना के, वो पैसे असूल के कहाँ से? हम ही लोग से असूल के तो दे रहा है वो, हम ही लोग से असूल के दे रहा है। कोरोना के पैसे करे, इतना टीका लगा कहाँ से आया? ना कुछ है, लड़कों काम कर रहे हैं उनको भी SIPF नहीं है, 7,000 सिर्फ टाइम टूम लगा के 7,000, 7,500 में क्या घर चलेगा? किराया देंगे कि हम रोटी खाएंगे कि बच्चे पालेंगे? गरीब गरीब में शोर है, बाजनी के मायने चोर है, गरीब गरीब में शोर है, बाजनी के मायने।
देखिए आज जो तमाम मजदूरों को लेके जो महंगाई के खिलाफ मजदूरों के श्रम कानूनों पे हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ आज दिल्ली भर के औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल करने का ट्रेड यूनियन ने ऐलान किया था और उसके साथ साथ जनवादी महिला समिति समर्थन में उतरी है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया है हड़ताल का। और हम ये चाहते हैं कि जो ये मोदी की सरकार जिस तरीके से झूठ बोल रही है और मजदूरों के ऊपर शोषण कर रही है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ोतरी कर रही है, आज मजदूरों के लिए रोजी रोटी का सवाल है। जब पेट में रोटी नहीं आएगी तो मजदूर किस तरीके से काम करेगा? जो मजदूरों के श्रम कानूनों पे हमले, उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, दिल्ली की सरकार ऐलान कर रही है बार बार लेकिन उसको लागू नहीं कर रही है। तो जो दिल्ली की सरकार ने भी वादे किए थे कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे लेकिन कोई ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं हुई, उनके अपने अधिकारियों के जहाँ सरकारी काम करते हैं वहाँ पे भी ठेका प्रथा खत्म नहीं हुई है। तो हम जो दिल्ली की सरकार के और केंद्र की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे तमाम ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की कॉल दी और हम ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, आने वाले समय में हम लोग पूरे देश भर में हड़ताल का ऐलान करेंगे और महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर के पास, जहां पे दिल्ली भर से अलग अलग इलाकों से ट्रेड यूनियन, सरकारी कर्मचारी और स्कीम वर्कर्स, रेड़ी पटरी यूनियन के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्योंकि आज दिल्ली में ट्रेड यूनियन ने संयुक्त रूप से हड़ताल का आह्वान किया था जिसके तहत दिल्ली के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में और रिहायशी इलाकों में जुलूस निकाले गए हैं, जिसके तहत ट्रेड यूनियन का दावा है जो बड़े स्तर पर दिल्ली में हड़ताल को कामयाबी मिली है और इस हड़ताल में फैक्ट्रियां बंद रही हैं। आज ये पूरा हड़ताल क्यों करनी पड़ी, इसकी हालत क्यों बने हैं और इसके आगे का रास्ता क्या देखता है मजदूर आंदोलन, इन सारी बातों को समझने के लिए प्रदर्शन में शामिल मजदूर और मजदूर नेताओं से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि न्यूनतम वेतन लागू नहीं है, ये बात है बिल्कुल। इंडस्ट्रियल एरिया में भी लागू नहीं है, जो सरकार खुद भी अपने मशीनरी से लागू करवा सकते हैं, और असंगठित क्षेत्र का पूछो मत, लेकिन संगठित क्षेत्र में भी ये जो नौकरी को जो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्टराइजेशन और इतना जो अस्थाई रूप में काम को किया गया है और किया जा रहा है और जो उसके अंदर में फैक्ट्री में काम करने वाले का नाम तक दर्ज नहीं हो रहा है, ये जो पूरा एक प्रकार का जो शोषण चल रहा है उसके खिलाफ में फिर मजदूरों को ये हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। दिल्ली जल बोर्ड में सबसे मेन समस्या निजीकरण की, वन जोन वन वो ऑपरेट करके केजरीवाल सरकार दिल्ली जल बोर्ड को निजीकरण की तरफ धकेल रही है और नई भर्तियां नहीं कर रही है, सब ठेकेदार प्रथा की जा रही है। जबकि केजरीवाल जब दिल्ली में सरकार में आया तो इस मुद्दे पे आया था कि मैं ठेकेदारी प्रथा बंद करूंगा और जो है कर्मचारियों को परमानेंट करूंगा जो ठेके कर्मचारी हैं पर, लेकिन इसने वही किया जो मोदी सरकार कर रही है, उन्हीं कदमों पर चलता रहा जो मोदी सरकार चल रही है, इसने भी कोई सुधार नहीं किया और निजीकरण दिल्ली जल बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट की तरफ धकेलता चला गया और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्राइवेट निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता से भी, न सिर्फ मजदूरों से, कर्मचारियों से, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों से, स्कीम वर्कर से, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे रेड़ी पटरी है उनसे, कंस्ट्रक्शन वर्कर से, सभी से इतना व्यापक जनसमर्थन मिला है कि आज पूरे दिल्ली के अंदर ये सूचनाएँ आ रही हैं कि जगह जगह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने सड़कों को जाम किया है। एक सुबह मैं खुद जो है डाबड़ी मोड़ पे था, लगभग वहाँ पर जो है ना आधे से घंटे से ज़्यादा जो है वहाँ पर वहाँ के रिहायशी वहाँ के लोगों ने जो है वो सड़कों को जाम किया है। तो पूरी दिल्ली से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनता जो है अपने आक्रोश को व्यक्त कर रही है और सरकार से ये मांग करती है कि सरकार अपनी नीतियों को बदले, और नीतियाँ अगर नहीं बदलेंगी तो सरकारें बदलेंगी, ये मजदूरों का संदेश है। तो हमारा कहना ये है, महंगाई के ऊपर सरकार लगाम लगाए, 26,000 महंगाई अनुसार वेतन करे, चारों लेबर कोड वापस हों जो गुलामी के दस्तावेज हैं, और जो ठेका प्रथा, फिक्स टर्म, इस प्रकार के जो नियमित स्वरूप के कार्यों में काम लिया जा रहा है उनको पक्का किया जाए,
जो हमारे योजनाकर्मी हैं बरसों बरस से काम कर रहे हैं उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो असंगठित क्षेत्र का हमारा 94% मजदूर है, चाहे डोमेस्टिक वर्कर्स है, रेड़ी पटरी वाले हैं, इनको जो है सोशल सिक्योरिटी दी जाए, पुलिस और नगर निगम इनको सताना बंद करे, इन सभी मांगों को लेकर के आज हम लोग हड़ताल पे हैं। और ये आज सरकारी कर्मचारियों का, जिसमें MCD दिल्ली जल बोर्ड, NDMC इन सबके कर्मचारी और योजनाकर्मी, डोमेस्टिक वर्कर सभी आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को यहाँ पर चेतावनी देने आए हैं कि जिस प्रकार से तुमने कृषि कानून वापस लेने के लिए तुम्हें मजबूर होना पड़ा है, उसी प्रकार से चारों लेबर कोड भी तुम्हें वापस लेने पड़ेंगे, अन्यथा ये आंदोलन और तीखा रुख लेगा। अभी फरवरी के महीने के अंदर 2 दिन का देशव्यापी हड़ताल भी ट्रेड यूनियंस की तरफ से कॉल की गई है, तो उसको भी हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराएंगे। सरकार जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों से बाज आए और जनहितैषी नीति अपनाए, यही हमारा मकसद है आज का हड़ताल का। नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के इंडस्ट्री इलाका, झिलमिल इंडस्ट्री इलाका में, जहां आज दिल्ली NCR में जो एक संयुक्त ट्रेड यूनियन की तरफ से हड़ताल का आह्वान किया गया, उसके तहत एक जुलूस निकाला जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे इलाके में और गाजियाबाद और नोएडा में, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा, इन तीनों इलाकों में आज हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसमें सुबह से ही ट्रेड यूनियंस मजदूरों को समझाकर, किसी को रोक कर, वो काम से रोकने का प्रयास कर रही थी, जिसके तहत पूरे इलाकों में हड़ताल को सफल बनाने की कोशिश की। तो ये महंगाई की इतनी मार है, आज हमारी बहनें लाखों के तादाद पे रोड पे उतरी हैं, नौकरियां कर रही हैं, उनको बेरोजगारी हो गई है, कंपनियां बंद है, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो इनको मोदी जी को कुछ नहीं दिख रहा। इस वजह से आज हम CI2 में शामिल होकर के नूतन वेतन बढ़वाने की कोशिश करती हूँ। और इनको करना चाहिए कि महिलाएँ जब लगातार बराबर काम कर रही हैं, पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं, तो उनको नूतन वेतन बढ़ानी चाहिए। ये मोदी जी को नहीं दिख रहा है, बस अपने जगह जगह पे ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? वैसे तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ के क्या करेगी? जब नौकरियां तुम्हारे यहाँ नहीं है तो बेटी पढ़ेगी कैसे? और पढ़ती है तो वो सुरक्षित नहीं है, आए दिन उनके साथ घटनाएँ होती हैं। कहीं मजदूरी काम कर रहा है तो मतलब उसमें पैसे कम में मिलता है, जहाँ 500 रुपये मिलना था उसमें 300-400 रुपये मिल रहा है, फिर भी कभी भी काम हो रहा, कभी काम नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम लोग रोड पे उतरी हूँ। अब हम लोग महिलाएँ हैं, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को हम लोग के खर्चे उठाना पड़ता, किचन के हम लोग के सब कुछ देखना होता है, हम लोग करें तो क्या करें? सरकार को इसको तो देखभाल करना चाहिए ना कि महिलाएँ कितना परेशान है, इसकी वजह से हम लोग रोड पे आज उतरी हूँ। हमारे फैक्ट्री में केवल 250 आदमी परमानेंट है, कम से कम 500 आदमी ठेकेदारी और कैजुअल में काम करते हैं, जिनकी वेतन बहुत कम है, उनका भी परिवार तो ऐसा ही है ना, उनके भी तो पेमेंट बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए यहाँ, ठीक है। और हमारी कंपनी के मालिक बार बार हर साल चेंज होते रहते हैं, हमारा खुद का 5 साल हो गए समझौता नहीं हुआ, जो 3 साल से होता था वो मिल मालिक अपनी मर्जी करती है, कभी कोई मालिक आ जाता, कभी कोई मालिक आ जाता, कभी हमारा घाटा बताते हैं कोरोना में इतना घाटा हो गया, जबकि कोई घाटा नहीं है। हमारी कंपनी का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ा, डबल है करीबन, कोरोना काल से पहले था उससे डबल है, लेकिन ये एक कोरोना का नाम लेके सबको गुमराह कर रही है हमारे लोगों को। ये आगे ये है, ये आंदोलन तीखा और तीव्र होगा आने वाले समय में, और तीव्र करते हुए 2 दिन की स्ट्राइक होगी, ऑल इंडिया की स्ट्राइक करेंगे अगर मोदी सरकार लेबर कोड वापस नहीं करती है, केजरीवाल नहीं सुधरते हैं, मनीष सिसोदिया अगर अपनी बात को सही से नहीं मान लागू करते लेबर मिनिस्ट्री का, यूनियनों को दलाल कह देना, कितना घटिया किस्म का आदमी है लेबर मिनिस्टर, जबकि वो खुद दलाली कर रहे हैं श्रम कानूनों को लागू ना करके। हड़ताल का असर बहुत अच्छा रहा, आप देख रहे हैं हमारा सुबह से जुलूस चल रहा है, हम लोग 8 बजे पिकेटिंग कर रहे थे, 1000 के आसपास हमारी जुलूस निकल रही है, हज़ारों आदमी हमारे साथ है,
सैकड़ों कर्मचारी जो इंडस्ट्रेलिडाम जो काम करते हैं वो हमारे साथ में, भवन निर्माण में काम करने वाले कर्मचारी हमारे साथ में हैं, और मिड डे मील की कुछ लीडरशिप आई है, आपने उनको उन कर्मचारियों को नहीं बुलाया है। बाकी हड़ताल हमारी सक्सेस रही है, बहुत अच्छी रही है, कई साल बाद हमने इस हड़ताल को कामयाब बनाया है, और पहली बार नहीं बल्कि कम से कम 10 साल के बाद आज हमने बहुत बढ़िया जुलूस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में निकाला है। हर कारखाने पे गए हैं, कर्मचारियों को समझाया है, कर्मचारी इससे बड़े उत्साहित हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए और अगली बार अगर प्रोग्राम करेंगे तो वास्तव में हमें आपकी ताकत पर भरोसा हुआ है, हम आपके जुलूस में शामिल होंगे, ऐसा भी कर्मचारियों की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। आज के सफल हड़ताल के लिए हम आपसे आह्वान करते हैं, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन और तमाम संगठन मिलकर के जो बजट सत्र में 2 दिन के हफ्ते